तो दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन कपड़ा आगे नहीं खींच रही है तो मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको हमारी मशीन पर जो है सिलाई कर कर दिखा देता हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर देखिए, मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी है, कपड़ा यहाँ पर आगे नहीं जा रहा है। तो इसी तरह की हमारे साथ अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको घबराना नहीं है, बस इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है और आप घर बैठे ही अपनी मशीन को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए देखिए प्रॉब्लम किस तरह से हो रही है। हमें जो है कपड़ा आगे खींचना पड़ रहा है तो ही हमारा कपड़ा आगे जा रहा है। हाथ छोड़ने के बाद हमारा कपड़ा बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा है, वहीं पर ही इस तरह से देखिए जमा हो रहा है कपड़ा। तो मैं आपको जो है दो तरीके बताऊँगा इसको ठीक करने के, तो वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले तरीका देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टंचन वाली जो रॉड होती है हमारी जिस पर हम बूट लगाते हैं, उस रॉड पर यहाँ पर आपको बोल्ट दिख रहा होगा, इस बोल्ट को हमें लूज़ कर लेना है थोड़ा सा। यहाँ पर जो है अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाता है तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम होने लगती है, इसको थोड़ा सा हमें लूज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये वाली रॉड है, ये वाला बोल्ट है, इसको हमें लूज़ कर कर देख लेना है सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से हम लूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको सिलाई भी कर कर दिखा देता हूँ कपड़ा हमारा आगे जाता है या नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बोल्ट को लूज़ कर लिया है, अब हम सिलाई भी कर कर देखेंगे कपड़े पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी है, ये देखिए देखिए यहाँ पर जो है हमें जो है थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन कपड़ा जो है फिर भी थोड़ा थोड़ा सा जमा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको उस वाले जो मैंने बोल्ट बताया था उसको लूज़ कर कर देख लेना है। फिर भी अगर आपका कपड़ा आगे नहीं जा रहा है तो मैं आपको उसका दूसरा उपाय बताऊंगा, वो भी बहुत आसान है, और उस उपाय को करने से ये हमारी जो मशीन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है इसका बेल्ट उतार लेते हैं, देखिए इस वाले बेल्ट को हम उतार लेते हैं। अब इसके बाद जो है हमें मशीन को देखिए इस तरह से हमें मशीन को कर लेना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर आपको पेंच दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये वाला पेंच आप देख सकते हैं, इसको हमें लूज़ कर लेना है। आप रॉड देख सकते हैं, ये सबसे पहली जो रॉड है ये देखिए ये वाली रॉड, इस वाली रॉड पर ही ये पेंच लगा होता है, इस पेंच को हमें थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। इसके लिए हमें चाहिए एक पेचकस चाहिए छोटा वाला, ये देखिए इस तरह से हमें एक पेचकस ले लेना है और उसको इस तरह से घुमाते हुए हमें थोड़ा सा ही लूज़ कर लेना है, निकालना नहीं है पेंच को, बस थोड़ा सा हमें लूज़ कर लेना है। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने पेंच को लूज़ कर लिया है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से हमारी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही थी। तो सबसे पहले मशीन को हम सीधा कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी इस वजह से होती है जब जो हमारी यहाँ पर देखिए बूट के नीचे जो दाती होती है, दाती का काम हमारा होता है कपड़े को आगे सरकाने का। तो अगर यहाँ पर दाती जो आप हमारी देख सकते हैं मशीन की, वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है, अगर नीचे जाएगी तो हमारा कपड़ा आगे नहीं सरकेगा। ये देखिए इस तरह से हमारी जो दाती है बिल्कुल नीचे जा चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखिए ये बिल्कुल नीचे है दाती है। अब मैं व्हील घुमाता हूँ तो हमें दाती को पूरा ऊपर कर लेना है। ये देखिए मैं व्हील घुमा रहा हूँ, दाती ऊपर आ रही है, ये देखिए बस ये हमारी दाती बस इतना ही ऊपर आ रही है, इसके ऊपर नहीं आ रही। तो हमें जो है ये आप प्लेट देख सकते हैं, प्लेट के ऊपर हमारी थोड़ी दाती नज़र आनी चाहिए, तो हमें थोड़ा दाती को ऊपर सरका लेना है। वो सरकाना किस तरह से है तो मैंने आपको पहले बताया है, उस बोल्ट को हमें उस पेंच को हमें लूज़ कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। देखिए इस वाले पेंच को हमें लूज़ कर लेना है पहले, और बहुत ही आसान तरीका है दाती को ऊपर करने का। जब हम दाती ऊपर करेंगे तो हमारा कपड़ा अपने आप सरकने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दाती लगी होती है, बस हमें उसी पेचकस से हल्का हल्का यहाँ पर मारना है तो हमारी दाती जो है ऊपर सरकने लगेगी। ये देखिए हल्का हल्का हमें बस उसको मारना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दाती ऊपर हमारी आई है नहीं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए दाती हमारी ऊपर आ चुकी है, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ चुकी है, तो हमें थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना है। दाती हमें ज़्यादा अभी ऊपर नहीं करनी है, इससे क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है कपड़े पर दाती के निशान आ सकते हैं हम जब सिलाई करते हैं, तो हमें थोड़ा सा दाती को नीचे कर लेना है। दाती नीचे करने का तरीका भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से हल्का हल्का मार देना है तो हमारी दाती नीचे हो जाएगी।
देखिए इस तरह से हमारी दाती यहाँ पर नीचे हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ हमें कितना ऊपर रखना है दाती को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट है हमारा, प्लेट के बस थोड़ा सा ही ऊपर हमारी दाती दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने दाती को जो है ऊपर कर लिया है, अब हम जो हमने पेच को लूज़ किया था उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो दाती फिर से नीचे चली ना जाए। तो इसको हम पेच को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। अब इसके बाद मैं आपको सिलाई भी कर दिखा देता हूँ, कपड़ा आगे हमारा सरकता है या नहीं सरकता है, तो वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेज को अच्छे से टाइट कर लिया है, अब मैं आपको सिलाई भी कर दिखा देता हूँ, वीडियो पर बने रहिए। ये देखिए ये इतनी हमारी दाती आप देख सकते हैं ऊपर आनी चाहिए। अब हम सिलाई भी कर देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा कपड़ा आगे सरकने लगा है, पहले के मुकाबले में कपड़ा हमारा बहुत ही आसानी से आगे सरक रहा है। पहले तो बिल्कुल ही कपड़ा हमारा आगे नहीं जा रहा था, वहीं पर जमा हो रहा था। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने हमने कितनी आसानी से बिना टेंशन के इस हमारी मशीन को बहुत ही कम समय में इसको ठीक कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधे आप तक पहुँचे। और अगर आपको सिलाई मशीन के बारे में अगर कुछ सीखना है तो एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियो मिलेगी सिलाई मशीन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।